नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज देखने वाले हैं एनवायरमेंट का पार्ट नंबर 9 हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले मैंने पार्ट जो आपको डाल रखे हैं, पार्ट कितने प्रोवाइड कर दिए भाई, 8 पार्ट आपको प्रोवाइड मैंने करा रखे हैं इसके, ठीक है। नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आके देख लीजिएगा या हमारी साइट पर जाके देख लीजिएगा www.paperhacker.in, तो यहां पर भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां जाके भी आप देख सकते हैं। तो फटाफट बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। और जिस किसी को ये नोट्स चाहिए, ठीक है, जिस किसी को नोट्स चाहिए इसका, तो कहां से डाउनलोड करेंगे, ये भी हमारी साइट पे ही जाके डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, www.paperhacker.in पर, ठीक है। ये हमारी साइट है, तो वहां पर ही आपको इसका लिंक मिलने वाला है नोट्स का। तो नोट्स कहां डाउनलोड करेंगे, हमारी साइट से, ठीक है। बढ़ते हैं फटाफट। आज जो रहने वाला है वो रहने वाला है 251 से आगे की ओर बढ़ने वाले हैं, ठीक है, 251 से आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। और ये हमारा चल क्या रहता है, ये हमारा जो यूनिट हो जाता है वो चल रहा था यूनिट नंबर सेकंड, ठीक है। फर्स्ट यूनिट हमने कवर रखी है, अब हम सेकंड की ओर बढ़ रहे हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है वो हो जाता है अपना, पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य घटक होते हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसके मुख्य घटक कितने होते हैं, मैं आपको बताना है, 4, 5, 2 या फिर हो जाते हैं 6। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो पारिस्थितिक तंत्र के जो मुख्य घटक होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से, इनको भी देख लिया, क्या पता एग्जाम में बन जाए। तो एक होता है उत्पादक, एक उत्पादक होता है, और एक दूसरा कौन सा होता है, उपभोक्ता। कौन हो जाता है भाई, उपभोक्ता होता है। तो दोनों के दोनों आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य घटक कौन से होंगे, उत्पादक और उपभोक्ता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस रीजन में कॉनिफर टाइप वन मिलते हैं, कौन सा रीजन होता है जिसमें कॉनिफर टाइप के वन मिलते हैं, ये आपको यहां पर बताना है। पहला दे रखा है साइबेरिया, एंडो गंगेटिक प्लेन, या अपना हो जाता है सहारा, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपको बताना है कौन सा बिल्कुल रहने वाला है, ठीक है। तो किस रीजन में कॉनिफर टाइप वन मिलते हैं, तो किस मिलते हैं भाई, ये साइबेरिया में मिलते हैं। किसमें, साइबेरिया में देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नंदन कानन नेशनल पार्क कहां पर है, ये आपको यहां पर बताना है। तो पहला दे रखा है बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, या फिर हो जाता है अपना मध्य प्रदेश। राइट आंसर हमारा क्या होगा, नंदन कानन जो नेशनल पार्क है वो कहां स्थित है, ठीक है, ये आपको यहां पर बताना है। तो कौन सा बिल्कुल राइट होगा, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, या फिर मध्य प्रदेश। तो यहां पर जो रहने वाला है वो हो जाएगा उड़ीसा। कहां हो जाएगा भाई, उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है, याद करने की ट्रिक बात है बिल्कुल। तो बात करते हैं, यहां पर नंदन में आपको दन देखने को मिलेगा, क्या दन कहते हैं ना, दन क्या चल रही है भाई, गोलियां, और गोलियों से क्या करता है आदमी, उड़ा जाता है ना, गोली से कहते हैं ना कि गोली से उड़ा दूंगा, तो मतलब उड़ीसा इस प्रकार से याद रहने वाला है, ठीक है। तो नंदन कानन नेशनल पार्क कहां हो जाएगा, उड़ीसा में हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखा है रेगुर है, रेगुर क्या है, कौन सी मिट्टी का ये नाम हो जाता है, लाल मिट्टी या अलूवियल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, रेगुर है। रेगुर क्या है, रेगुर जो नाम है वो काली मिट्टी को कहते हैं, ठीक है, रेगुर किसे कहते हैं, काली मिट्टी को कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखा है काजीरंगा जैव मंडल स्थित है, जो काजीरंगा जैव मंडल है वो कहां स्थित है, ये आपको बताना है, केरल में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, या फिर असम में। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, जो काजीरंगा राष्ट्र भारण है या जैव मंडल है, इसमें एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं, क्या भाई, एक सींग वाले गेंडे यहां पर देखने को मिलते हैं। तो यही पूछ सकता है कि एक सींग वाले गेंडे किस राष्ट्र उद्यान में देखने को मिलते हैं, तो वो कौन सा है, काजीरंगा, और ये किस राज्य में पड़ता है, तो ये पड़ता है असम में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, एक मुख्य पानी की धारा का मुख्य इस्तेमाल होता है, एक जो मुख्य पानी की धारा होती है उसका इस्तेमाल होता है किसमें, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाने में, या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट को खोलने में, या फिर हो जाता है अपना खेती बाड़ी में, घरेलू इस्तेमाल में। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, एक मुख्य पानी की धारा का प्रमुख इस्तेमाल होता है, ये कहां होता है, तो ये जो होता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाने में, किसके, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाने में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के कारक निम्नलिखित हैं, जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसके कारक निम्नलिखित में से कौन है, ये आपको बताना है, हरे पौधे एवं पेड़, जीवाणु, कवक, या फिर ये सभी।
तो पारिस तंत्र के अंदर कौन आते हैं? सभी आते हैं, हरे पौधे और पेड़ आते हैं, जीवाणु भी आते हैं और कवक भी आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट रखा है भारत का वह बायोस्फीयर रिजर्व जो एक से अधिक राज्यों में फैला है वो कौन सा हो जाता है? सुंदरबन, मानस या अपना हो जाता है नोकरेक या नीलगिरी क्षेत्र। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? सुंदरबन नहीं होगा, ये पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। मानस ये अपना हो जाता है असम में, ठीक है। और नोकरेक इसके बारे में कंफर्म नहीं है। नीलगिरी, यहां पर जो नीलगिरी है ये कितने क्षेत्र में राज्यों में फैला हुआ है? ये तीन राज्यों में फैला हुआ है। किसमें? तीन राज्यों में। कौन कौन से हो जाते हैं? एक होता है तमिलनाडु, ठीक है। एक कौन सा हो जाएगा भाई? तमिलनाडु हो जाएगा। एक अपना कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। एक अपना कर्नाटक और एक क्या रहने वाला है? केरल। तो तीन राज्यों से इसकी सीमा कवर होती है, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नीलगिरी क्षेत्र है वो तीन राज्यों में है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। तो राज्यों में फैला हुआ है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहां रखा है सबसे स्थिर पारितंत्र है। स्थिर मतलब एक जगह रहने वाला, सागर है, वन है, पर्वत है या फिर मरुस्थल है। तो मरुस्थल भी परिवर्तित होते रहते हैं, वन भी और सागर भी, मगर पर्वत जो होते हैं वो परिवर्तित नहीं होते, एक जगह स्थित रहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये देखा है CFGS का प्रयोग होता है, किसमें होता है ये आपको बताना है। CFG की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉन्टैक्ट फ्री ग्रामर। क्या चीज? कॉन्टैक्ट फ्री क्या होती है? ग्रामर, ठीक है। कॉन्टैक्ट फ्री ग्रामर, इसका इस्तेमाल किसमें होता है, प्रयोग किसमें होता है ये बताना है। ऑक्सीकरण के रूप में, प्रतिकारक के रूप में या फिर हो जाता है प्रसीतक के रूप में या वृद्धि कारक के रूप में। तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है? तो बात करते हैं CFG कॉन्ट्रैक्ट फ्री जो ग्रामर होता है उसका उपयोग होता है प्रतिकारक के रूप में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति संबंधित है, श्वेत क्रांति जो है वो किससे संबंधित है ये आपको यहां पर बताना है। कैल्शियम उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, श्वेत रंगों का उत्पादन या फिर दही उत्पादन। तो राइट आंसर क्या होगा? जो श्वेत क्रांति है वो किससे संबंधित है? तो ये हो जाती है अपने दुग्ध उत्पादन से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्वच्छ ईंधन है? तो स्वच्छ ईंधन कौन सा है वो आपको बताना है। कोक, पेट्रोलियम या पेट्रोलियम को कहते हैं गैसोलीन, ठीक है, प्राकृतिक गैस या फिर डीजल। तो डीजल भी फेंकता है और पेट्रोल भी और कोक भी, ये सारे के सारे क्या हैं? स्वच्छ ईंधन नहीं है। और जो प्राकृतिक गैस है वो कैसी है? स्वच्छ ईंधन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में वैकल्पिक ऊर्जा का प्रचुर स्त्रोत है, जो वैकल्पिक ऊर्जा होती है उसका प्रचुर स्त्रोत कौन सा है? ज्वार ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या फिर कोयला, पेट्रोल। राइट आंसर हमारा क्या होगा? बिल्कुल। तो बात करते हैं भारत में वैकल्पिक ऊर्जा का प्रचुर स्त्रोत कौन सा है। तो सभी को पता है कौन सा है, सूर्य ऊर्जा हो जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां रखा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा अंतर्भूमि सागर है? क्या कह रहा है? अंतर्भूमि सागर की यहां पर बात हो रही है। लाल सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर या फिर मृत सागर। राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा अंतर्भूमि सागर है? तो वो हो जाएगा अपना कैस्पियन सागर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है? और जो कैस्पियन सागर है वो कैसा है? खारा पानी है यहां का, ठीक है, नमकीन। आगे बढ़ते हैं। कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है? कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है आपको बताना है। घास, मेढक, मानव शेर, घास बकरी शेर, सर्प शेर या फिर पौधे बकरी मानव शेर, घास टिड्डा, मेढक सर्प। तो यहां पर आपको खाद्य श्रृंखला बतानी है कौन सी बिल्कुल सही हो जाती है। तो सबसे पहले कौन आएगा? घास बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद मेढक, नहीं मेढक तो मांसाहारी है, ये नहीं आएगी। बकरी शाकाहारी बिल्कुल आ जाएगी, टिड्डा भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों जाते हैं यहां पर। फिर सर्प या मेढक, सर्प नहीं आएगा, सर्प लास्ट में आएगा। तो मेढक आने वाली और लास्ट में क्या जाएगा? सर्प। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। घास प्रथम भोक्ता, द्वितीय भोक्ता, तृतीय भोक्ता
और ये भी तृतीय विभक्ता में ही आते हैं, ठीक है सर्प। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट रेखा है सहजीविता प्रदर्शित करता है, जो सहजीविता है वह प्रदर्शित कौन करता है? पहले देखा है मृदा, कबक, लाइकेन या फिर विषाणु। तो सहजीविता प्रदर्शित कौन करता है? सहजीविता किसे कहते हैं? अगर मानव में है मतलब निर्जीव में है, ऐसे ही पड़ा हुआ है तो निर्जीव रहेगा वो, और जैसे ही वह सजीव के अंदर जाएगा तो वह क्या करेगा? सजीवों की तरह व्यवहार करने लगेगा। तो ये होते हैं सहजीविता। जैसे आपने पढ़ा होगा कौन होते हैं? विषाणु। विषाणु अगर किसी भी सजीव के अंदर नहीं है तो वे कैसे व्यवहार करते हैं? निर्जीव की तरह व्यवहार करते हैं, और जैसे ही सजीव के अंदर जाते हैं तो ये कैसे व्यवहार करने लगते हैं? सजीवों की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भूमि अपरदन को कम कर सकते हैं। भूमि अपरदन हमने इससे पहले आपको बता रखा है, भूमि अपरदन किसे कहते हैं? भूमि का क्षरण, ठीक है, या भूमि की हानि। तो यहां देखा है भूमि अपरदन को कम कर सकते हैं किससे? जानवरों के चरने को कम करके, या पौधों का रोपण करके, बांध बनाकर, या फिर देखा है हिल का निर्माण करके। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? बिल्कुल, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है। तो पौधों का रोपण करके हम क्या कर सकते हैं? भूमि अपरदन को रोक सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है सबसे बड़े आकार के पक्षी कौन सा है, ये आपको बताना है। मोर, शुतुरमुर्ग या फिर पेंगुइन, या हो जाता है अपना सारस। तो राइट आंसर क्या होगा? सबसे बड़ा पक्षी कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा अपना शुतुरमुर्ग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है कौन सा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है, यह पूछ रखा है आपसे। तो पोटास, कंपोस्ट, यूरिया या फिर फास्फेट। तो रासायनिक की बात करते हैं, पोटास भी है, यूरिया भी है और फास्फोरस, ये तीनों के तीनों कैसे हैं? रासायनिक। मगर कंपोस्ट की बात करते हैं तो ये कैसा है? रासायनिक नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिमालय श्रेणी की लंबाई है, जो हिमालय श्रेणी की लंबाई है वह कितनी हो जाएगी? 2200 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर या फिर 2600 किलोमीटर। तो कौन सा राइट होगा? तो हिमालय, हिमालय कैसा है? इस प्रकार से, ठीक है, पहाड़ है हिमालय, बिल्कुल। तो भाई कैसा है? ऊंचा है ना, कैसा है भाई? ऊंचा है ना। हिमालय कैसा होगा भाई? ऊंचा है। तो ऊंचा में आपको चार देखने को मिलेगा, ठीक है, ऊंचा में चार देखने को मिलेगा और चार की ओर चले जाएगा, बिल्कुल। तो कितना हो जाएगा? 2400 किलोमीटर हो जाएगा, और हमें याद भी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जीवाश्म ईंधन का निर्माणक स्त्रोत है, जो जीवाश्म ईंधन है उसका निर्माणक स्त्रोत कौन होता है? ये आपको बताना है, सूरज, मीथेन, टाइड या फिर हो जाएगा जीवाश्म। तो राइट आंसर क्या होगा? अरे निर्माणक स्त्रोत कौन सा है? तो ये सारा के सारा हो जाएगा भाई सूरज का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रखा है अपना भारतीय जलवायु है, भारतीय जलवायु कैसी है? भूमध्य सागरीय, उष्ण मरुस्थलीय या उष्ण मानसूनी या फिर सागरीय। तो राइट आंसर क्या होगा? भारतीय जलवायु है, भारतीय जलवायु कैसी है? तो ये अपनी हो जाती है उष्ण मानसूनी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यहां पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, याद रखें निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीय समूह का उदाहरण है? द्वितीय समूह का उदाहरण आपसे पूछ रखा है। पहला देखा है परिवार, मंत्रिमंडली, पड़ोस या फिर श्रमिक संघ। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? द्वितीय समूह की बात कर रहा है, परिवार, पड़ोस और श्रमिक संघ जो होते हैं वो कैसे हैं? प्रथम समूह हो जाते हैं। द्वितीय समूह कौन सा है? मंत्रिमंडली है। कौन सी? मंत्रिमंडली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखा है चीता कहां नहीं पाया जाता है? चीता कहां नहीं पाया जाता है? सुंदरबन, सुंदरबन, गिर, जिम कार्बेट या अपना हो जाता है रणथंभौर। तो कौन सा बिल्कुल राइट होगा? देखो बात करते हैं सुंदरबन कहां पे है, ये वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल में हो जाता है ना। और फिर बात करते हैं गिर कहां पे है, गिर अपने हो जाएगा गुजरात में। और जिम कार्बेट की बात करते हैं तो जिम कार्बेट कहां पे है, ये अपना हो जाएगा यूके में, उत्तरांचल में, ठीक है। और बात करते हैं रणथंभौर, ये कहां पे है? राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान में हो जाएगा रणथंभौर। तो रखा है चीता कहां नहीं मिलता है, तो रणथंभौर में नहीं मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस प्रकार से याद कर सकते हैं, रणथंभौर राजस्थान में है तो पानी की कमी होगी तो वहां पर चीता नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रहने वाला है।
आगे बढ़ते हैं, वन्य जीव के घटने का कारण है, जो वन्य जीव होते हैं उनके कम होने का कारण क्या है आपको बताना है, जंगलों को, जंगलों के कटान से, आवास स्थान के समाप्त होने से, शिकार से, या फिर ये सभी। तो बिल्कुल इजी है, कौन हो जाएगा, ये सभी। तो वन्य जीव घटने का क्या होता है, जंगलों का काटना, स्थान उनके खत्म कर देना और शिकार भी करना। आगे बढ़ते हैं, अंतः प्रजन योग्य जनसंख्या या फिर व्यक्तियों का समूह कहलाता है, जो अंतः प्रजन करते हैं उनकी योग्य जनसंख्या या फिर व्यक्तियों का समूह क्या कहलाता है, क्रम, परिवार, वर्ग या फिर प्रजाति। राइट आंसर क्या होगा भाई, अंतः प्रजन की बात कर रहा है, योग्य जनसंख्या व्यक्तियों का समूह कहलाता है, परिवार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने मानव पारिस्थितिकी की अवधारणा को प्रदर्शित किया, मानव पारिस्थितिकी की अवधारणा को प्रस्तुत किसने किया था, यह आपको यहां पर बताना है। पहला दे रखा है बैसेज, हेटनर, ब्रुंज या फिर टेलर। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, देखो यहां देखा है मानव पारिस्थितिकी का अवधारणा को प्रतिपादित किया था, तो यह किसने किया था, ब्रुंज ने किया था। किसने, ब्रुंज ने। तो याद कैसे करें, मानव की बात हो रही है ना, मानव पारिस्थितिकी की अवधारणा को प्रतिपादित किया था, तो यहां से मानव देख लेना और यहां पर बंज कर देना, नहीं बज कर देना, ठीक है, बुझ, बुझ, अच्छा बुझ कर देते हैं, ठीक है, बुझ किसी का नाम हो सकता है ना, बुझ नहीं, बज नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। तो इसको आप याद करना पड़ेगा आपके लिए, ठीक है, ट्रिक तो नहीं बन पा रही है, इसे याद कर लेना अच्छी प्रकार से, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। आगे बढ़ते हैं, सदाबहार वनों का मुख्य लक्षण है, जो सदाबहार वन होते हैं उनका मुख्य लक्षण क्या होता है, माध्यम वर्षा, वर्षा नहीं, वर्ष पर्यंत वर्षा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, जो सदाबहार वन होते हैं उनका मुख्य लक्षण क्या होता है, वर्ष फिर प्रयत्न, मतलब अपना चेंजिंग करते हैं पौधों के लिए, और फिर क्या होती है, वर्षा होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहले वर्ष फिर प्रयत्न फिर वर्षा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वेरी इजी, अच्छा है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, देखा है कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं, जो कटीली झाड़ियां होती हैं वो कहां पाई जाती हैं, टुड्रा में, टैगा में, शवाना में या फिर मरुस्थल में, राइट आंसर क्या होगा, तो कटीली झाड़ियां जो होती हैं वो कहां पाई जाएंगी, मरुस्थल में पाई जाती हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या देखा है खाद्य पदार्थ में संपूर्ण ऊर्जा प्राप्त होती है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें संपूर्ण ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है आपको बताना है। पहला दे रखा है एक पौधे से, वृषक से, सूर्य से या फिर बिजली के सर्किट से। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, क्वेश्चन रखा है खाद्य पदार्थ में संपूर्ण ऊर्जा प्राप्त होती है, तो कहां से होती है, खाद्य पदार्थ में संपूर्ण ऊर्जा प्राप्त होती है, यह होती है एक पौधे से, क्योंकि खाद्य पदार्थ की बात कर रहा है, जब हम किसी को खाते हैं, कोई भी चीज खाते हैं, तो हमें ऊर्जा कहां से प्राप्त होगी, पौधे से प्राप्त होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहां पर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन अपना कह रखा है कि सूर्य का कौन सा विकिरण हमारे लिए हानिकारक है, कौन सा जो विकिरण होती है वह हमारे लिए हानिकारक होती है, अवरक्त, पराबैंगनी, द्रव्य विकिरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य का कौन सा जो विकिरण होगा वो हमारे लिए हानिकारक होगा, तो वो हो जाएगा पराबैंगनी, कौन सा, पराबैंगनी किरण जो होती है वो कौन रोकता है, ओजोन रोकती है, कौन, ओजोन रोकती है, ठीक है। अब बात करते हैं जो छेद हो चुका है कहां पर हो चुका है, ओजोन परत का छेद हो चुका है वो कहां पर है, अंटार्कटिका में है, कहां पर, अंटार्कटिका में छेद हो चुका है, तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। और पराबैंगनी किरणें अब कहां से धरती पर आ रही है, अंटार्कटिका की ओर से आ रही है। आगे बढ़ते हैं, यहां रखा है पेडोलॉजी में निम्न का अध्ययन किया जाता है, ये क्वेश्चन ने देख रखा है, तो पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है आपको बताना है, पानी, जंगल, मृदा या फिर वायु। तो राइट आंसर क्या होगा, जो पेडोलॉजी होती है उसमें किसका अध्ययन होता है भाई, मृदा का अध्ययन होता है, ये क्वेश्चन हमारा रिपीटेड क्वेश्चन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखा है इको सिस्टम में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो इको सिस्टम है उसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा आपको बताना है, प्रकाश ऊष्मा या फिर वनस्पतियों में संचित शक्ति, विघटन में उत्सर्जन ऊर्जा, शोषण में उत्सर्जित ऊर्जा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, जो इकोसिस्टम में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होगा, वह प्रश्न हो जाएगा प्रकाश ऊष्मा, क्योंकि तो प्रकाश से ही पौधे क्या करते हैं, ऊष्मा लेते हैं ना, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट रखा है वन्य जीवन किस रूप में अधिक मूल्यवान है, जो वन्य जीवन है वो किस रूप में अधिक मूल्यवान है ये आपको बताना है। पहला खाद्य पदार्थ का स्त्रोत, खाद्य पदार्थ एवं कपड़ों का स्त्रोत, जीवन का स्त्रोत या जैव नियंत्रण अभिकर्ता। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, देखो वन्य जीवन का, वन्य जीवन किस रूप में अधिक मूल्यवान है, तो वह अपना हो जाएगा जैव नियंत्रण अभिकर्ता के रूप में, किसके, जैव नियंत्रण अभिकर्ता के रूप में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत का सबसे ऊंचा वृक्ष कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो भारत का सबसे ऊंचा जो वृक्ष हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, देवदार, यूकेलिप्टिस, बरगद या फिर आम। तो सबसे जो ऊंचा वृक्ष है वो हो जाएगा देवदार का, ठीक है। यूकेलिप्टिस कौन है, ये आतंकवादी वृक्ष है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नीली क्रांति का संबंध है, जो नीली क्रांति है उसका संबंध किससे है, समुद्र जल से, ऊन उत्पादन से, मत्स्य मातल पालन से या फिर वायुयान उद्योग से। तो राइट आंसर क्या होगा, नीली क्रांति का संबंध किससे होगा, तो ये अपना हो जाएगा मत्स्य पालन से, किससे, मत्स्य पालन से। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है, जो आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा है वो आपको बताना है, महोगनी, पीपल, देवदार या फिर यूकेलिप्टिस। तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, तो आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा है, तो वो हो जाएगा अपना देवदार, कौन सा, देवदार का वृक्ष। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखा है एक ठंडा मरुस्थल है, एक ठंडा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में, राजस्थान में या फिर असम में। तो राइट आंसर क्या होगा, एक ठंडा मरुस्थल है तो वह अपना हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन रखा है भारत की सबसे प्राचीन रिफाइनरी है, सबसे प्राचीन रिफाइनरी कौन सी है, यहां पर आपको बताना है। पहले रखा है मथुरा, डिगबोई, फिर कोयली या फिर हल्दिया। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो भारत की सबसे प्राचीन रिफाइनरी है तो वह कौन सी हो जाएगी, ये आपको यहां पर बताना है। तो बात करते हैं भारत की सबसे प्राचीन रिफाइनरी जो हो जाती है जहां पर कच्चा तेल उपलब्ध होता है, तो वो अपना हो जाएगा डिगबोई। कहां पर, डिगबोई, और डिगबोई कहां पर है, ये असम में स्थित है, कहां पर, असम में स्थित है डिगबोई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किसी क्षेत्र के एक ही जाति के कई प्राणियों के समूह को कहते हैं, किसी क्षेत्र के एक ही जाति के कई प्राणियों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं, समुदाय, नस्ल, जनसंख्या या फिर विभिन्नता। राइट आंसर क्या होगा, देखो बात करते हैं किसी क्षेत्र के एक ही जाति के कई प्राणियों के समूह को क्या कहते हैं, उसे समुदाय कहा जाता है, क्या कहते हैं भाई, समुदाय कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखा है ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका कौन सा क्षेत्र आपको बताना है। पैद रखा है पिंडारी ग्लेशियर, मानसरोवर झील के पास ग्लेशियर या फिर हो जाता है तिब्बत के आसपास या पंजाब। तो ब्रह्मपुत्र जो है नदी है उसका क्षेत्र कहां पर होता है, वो हो जाता है मानसरोवर झील के पास ग्लेशियर का, ठीक है, मानसरोवर झील के पास ग्लेशियर का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट रखा है सैलाइन भूमि, जो सैलाइन भूमि है में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, सैलाइन भूमि में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, कौन से कहलाते हैं आपको बताना है, सेमोफाइट, हेलोफाइट, थिलोफाइट, लिथोफाइट या फिर मीसोफाइट। राइट आंसर क्या होगा, बात करते हैं सैलाइन, सैलाइन को याद कैसे करेंगे, सा, यहां पर से देखना है और से कहां देखने को मिलेगा, यहां पर सेमोफाइट में देखने को मिल जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ठीक है। तो सैलाइन भूमि में उगने वाले पौधे कौन कहलाते हैं, वो कहलाते हैं सेमोफाइट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र रचना करता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो किसकी रचना करता है, खाद्य श्रृंखला की, खाद्य जाल की, उपरोक्त दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो जो पारिस्थितिक तंत्र है वो किसकी रचना करता है, खाद्य श्रृंखला की भी रचना करेगा और खाद्य जाल की भी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों की, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट रखा है वन पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे, ठीक है, हरे पौधे, अच्छा वन पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे क्या होते हैं, प्राथमिक उत्पादक कहे जाते हैं
या फिर हो जाता है प्राथमिक उपभोक्ता कहे जाते हैं, अपघटन कहे जाते हैं, या फिर द्वितीय उपभोक्ता कहे जाते हैं। राइट आंसर क्या होगा? वन पारिस्थितिकी की होगा। यहां पर प्राणियों में हरे पौधे क्या कहलाते हैं? हरे पौधे प्राथमिक उत्पादक कहे जाते हैं। कौन? प्राथमिक उत्पादक कहे जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखा है सेतु समुद्रम कैनाल परियोजना प्रारंभ की गई कहां पर, सॉरी कब प्रारंभ की गई थी, ये देखा है ना? नहीं, परियोजना प्रारंभ की गई किसके लिए प्रारंभ की गई थी ये पूछ रखा है आपसे, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, कम करने के लिए, हाँ किसके लिए प्रारंभ की गई थी, कौन सी? सेतु समुद्रम कैनाल परियोजना प्रारंभ की गई थी किसके लिए? पहले रखा है सिंचाई हेतु, मछली पालन हेतु, या मूंगों की चट्टानों की सुरक्षा हेतु, या पश्चिमी और पूर्वी घाट की दूरी को कम करने के लिए। तो सेतु समुद्रम जो हो जाता है उस कैनाल की शुरुआत की गई थी, मतलब कैनाल क्या कहते हैं, कैनाल मतलब एक पुल, ठीक है, गुफा, सॉरी गुफा में रास्ता होता है ना, उसे ही कैनाल कहते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो कह सकते हैं सेतु समुद्रम कैनाल परियोजना प्रारंभ की गई थी, ये की गई थी पश्चिमी और पूर्वी घाट की दूरी को कम करने के लिए, पश्चिमी और पूर्वी घाट की दूरी को कम करने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है बीते हुए समय में दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत था, जो बीता हुआ समय है उसमें दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत कौन सा था, ये आपको बताना है। तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, या फिर हाइड्रो पावर, कौन सा था भाई? बीते हुए समय की बात कर रहा है, उसमें हम किसका यूज करते थे? कोयले का यूज करते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यहां पर, सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत था कोयला। अब क्या है, अब बात करते हैं तो अब क्या है, तेल, ठीक है। आगे बताते हैं, ये देखा है आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत कौन सा है। तो जो आज का समय है इसमें दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत कौन सा है भाई, ये अपना हो जाता है तेल, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हमने ऊपर देख ही लिया, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कह रहा है कि महासागरों में खारेपन का मुख्य स्रोत है, जो महासागर है उनमें खारेपन का मुख्य स्रोत क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। अगर बीए में आपने मेरी क्लास देखी होगी तो इसका आंसर आपने लगा दिया होगा अब तक, ठीक है, क्योंकि महासागर जो थे, पृथ्वी की जो उत्पत्ति आंकी जाती है किससे, समुद्र में खारेपन से भी आंकी जाती है, क्योंकि जब समुद्र का निर्माण हुआ था तो समुद्र मीठा और स्वच्छ हुआ करता था। कैसा? समुद्र का जल था मीठा और स्वच्छ हुआ करता था। जैसे ही जैसे समय बीतता गया, पृथ्वी से जो पृथ्वी से क्या जाती रही, नमक जो थी, मतलब कह सकते हैं खारापन जो हो जाता है, मतलब सोडियम क्लोराइड जो हो जाता है, वो बहाव के द्वारा कहां चला गया भाई, समुद्र में चला गया। इस प्रकार से खारा पानी उसका होता रहा, ठीक है। तो कह सकते हैं इसके अनुसार पृथ्वी का आकलन किया जाता है कि पृथ्वी इतने समय में इतना समय इसके लिए हो गया है, ठीक है। तो यहां पर कह सकते हैं महासागरों में खारेपन का मुख्य स्रोत क्या होता है, भूमि, समुद्री जीवन, या फिर ज्वालामुखी, या फिर उल्कापिंड। तो राइट आंसर क्या होगा, भूमि हो जाएगा, ठीक है। महासागरों में खारेपन का मुख्य स्रोत क्या है, भूमि है। भूमि से ही सोडियम क्लोराइड कहां गया है, समुद्र की ओर, नदियों के द्वारा, बहाव के द्वारा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां रखा है कौन सी पारिस्थितिकी प्रणाली में सबसे ज्यादा प्राथमिक उत्पादन होता है, कौन सी जो पारिस्थितिक प्रणाली है उसमें सबसे ज्यादा प्राथमिक उत्पादन होता है। पहला दे रखा है अपना एल्गल बेड और रीफ, महासागर, महाद्वीपीय जल सीमा, या फिर ज्वार नदमुख। तो राइट आंसर क्या होगा यहां पर, तो कौन सी प्राथमिक प्रणालियों में सबसे ज्यादा प्राथमिक उत्पादन होता है, तो वो होता है महासागरीय जल सीमा में। किसमें? महासागरीय जल सीमा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन से वन लगभग प्राकृतिक अवस्था में है, तो प्राकृतिक अवस्था की बात कर रहा है, कौन से वन हो जाते हैं, मानसूनी वन, सवाना घास के मैदान, या उदिच्च जंगल, भूमध्य रेखीय जंगल। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, कौन से वन लगभग प्राकृतिक अवस्था में है, कैसे, लगभग प्राकृतिक अवस्था में है, तो वो हो जाते हैं भूमध्य रेखीय जंगल। कौन से? भूमध्य रेखीय जंगल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहां पर हमारे 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं कंप्लीट। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। और फ्रेंड्स आपको बता दें, अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, अगर आपको क्या चाहिए भाई,
नोट्स चाहिए तो आप कहां डाउनलोड करेंगे, paperhacker.in हमारी साइट है, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है जो कि नोटिफिकेशन आपके घर पहुंचे। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो फिर जय हिंद, जय भारत।